नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट क्या होगा ये तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये कानून बन चुका है मोटर व्हीकल एक्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा नियमों में बदलाव किए गए हैं और जिसके चलते 1 अप्रैल 2019 से ये नियम लागू होंगे और अब इंडिया में सभी गाड़ियों पर 3 नंबर प्लेट लगाना कानूनन अनिवार्य होगा, जो कि होंगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिन्हें कहा जाएगा HSRP प्लेट्स। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल जहन में ये उठता है कि तीसरी नंबर प्लेट हम लगाएंगे कहाँ पर, क्योंकि पहली नंबर प्लेट फ्रंट साइड पर होती है, दूसरी बैक साइड पर होती है, लेकिन तीसरी लगेगी कहाँ पर, जो कि एक स्टिकर के फॉर्म में आएगी और उसे लगाने के लिए जो गाइडलाइंस गैजेट नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसे मैं स्क्रीन पर आप सभी के लिए दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने इसे अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट आपके लिए करके रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तीसरी नंबर प्लेट जो को पैसेंजर होगा, यानी कि ड्राइवर के बाजू वाली सीट जो होगी, उसके सामने विंडशील्ड पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर बॉटम में इसे चिपकाया जाएगा, इसे लगाया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगला सवाल ये है दोस्तों कि ये नंबर प्लेट्स आपको अवेलेबल कौन कराएगा। तो ये गाइडलाइंस दी गई है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये चीज़ें वो अवेलेबल कराएगा हमारे लिए उनके डीलर्स के थ्रू, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें ज़रूरी होगी उसे व्हीकल मैन्युफैक्चरर को ये सुनिश्चित करना होगी कि उसके डीलर्स के पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। इन चीजों के लिए आपसे कोई भी अलग कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, हालांकि पैसे हमारी जेब से ही जाएंगे, लेकिन इस कॉस्ट को गाड़ी की बेसिक कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि अलग से किसी भी तरीके से, जैसे कि हाइपोथेकेशन चार्जेस मेंशन होते हैं, थर्ड ईयर एक्सटेंडेड वारंटी मेंशन होती है, या फिर डेपो चार्जेस मेंशन होते हैं, उस तरीके से अलग से नंबर प्लेट के पैसे आपके पास से अलग से कोई भी डीलर नहीं ले पाएगा, उसे गाड़ी की कॉस्टिंग में इंक्लूड किया जाएगा। 1 अप्रैल 2019 के बाद में जो भी गाड़ियां बेची जाएंगी उन सभी गाड़ियों पर इस प्रकार की 3 नंबर प्लेट होना कानूनन अनिवार्य होगा और पुरानी गाड़ियों को भी अपने नंबर प्लेट चेंज करवाने होंगे। ये नंबर प्लेट पुरानी गाड़ियों के लिए उनकी गाड़ी के ऑथराइज डीलर्स करवाएंगे या फिर कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसी करवाएगी जो सर्टिफाइड है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या ऑथराइज एजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है, वही एजेंसी ये नंबर प्लेट आपको दे सकती है। पुरानी जो नंबर प्लेट होगी वो नंबर प्लेट आपको उस एजेंसी को या गवर्नमेंट एजेंसी को सरेंडर करनी होगी, उनके सामने उसे डिस्ट्रॉय करना होगा और उसी के बाद ही वो आपको नई नंबर प्लेट इशू करेंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट शुड बी इम्पेरिशेबल लाइफ। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की जो लाइफ है उसका एक टेन्योर दिया गया है, जो कि सेक्शन 50 में डिस्क्राइब है मोटर व्हीकल एक्ट में। उसके तहत अगर वो नंबर प्लेट डैमेज हो जाती है तो उसे रिप्लेस करवाने का काम भी उसी डीलर को करना होगा जिस कंपनी की आपकी गाड़ी होगी। अब इस नंबर प्लेट की साइज क्या होगी, उसके फॉन्ट की साइज क्या होगी, जो ब्लू कलर में अशोक चक्र आएगा उसके कलर का कॉम्बिनेशन कितना होगा, कैसा होगा, क्या ग्रेड्स होंगे, कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा, नंबर के डिजिट की साइज क्या होगी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी एक 10 डिजिट दिया जाएगा अल्फा न्यूमरिक, उसे किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, ये सारे नियम इस गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत जो भी थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट आपके गाड़ी के अंदर विंडशील्ड पर चिपकाई जानी है उसके कलर अलग अलग होने वाले हैं। जो डीजल गाड़ी होगी उसके लिए उसका कलर होगा ऑरेंज, पेट्रोल गाड़ी के लिए इसका कलर होगा लाइट ब्लू, पेट्रोल और CNG के लिए और बाकी सभी गाड़ियों के लिए इसका कलर होने वाला है ग्रे कलर। इन नंबर प्लेट पर जो भी होलोग्राम होगा वो हॉट स्टैंपिंग के द्वारा किया जाएगा, वहां पर इंडिया लिखा होना जरूरी है, उसके फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, नंबर प्लेट की विड्थ, लेंथ, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको गैजेट नोटिफिकेशन में दिखाई गई है। जो तीसरी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी पर विंडशील्ड के अंदर लगाई जाएगी उस पर नेम ऑफ द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर ब्रांडेड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, ये सारी डिटेल्स मौजूद होना बहुत जरूरी होगा, ये सारी डिटेल्स वहां पर लिखवानी होंगी। एक और जरूरी चीज दोस्तों कि ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स होंगी इनको इलेक्ट्रॉनिकली आपकी गाड़ी के साथ में लिंक करवाना भी
मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, पास में दिए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।